स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अयान अकेडमी में। आज हम टेट की मैथ रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लास लेके आए हैं और वो उस क्लास का नेम है हमारा परसेंटेज। तो चलिए करते हैं हम परसेंटेज के क्वेश्चन। परसेंटेज की आज इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप काइंड की ट्रिक करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपने ये वीडियो अंत तक यानी कि कंप्लीट आपने जरूर देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। अपने पास अपनी नोटबुक कैरी करके रखिए, साथ साथ लिखते चलिए। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी साथ साथ। एक परीक्षा में एक्स परसेंट अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, यानी कि पास परसेंटेज जो है किसी भी एक कॉम्पिटिटिव मान लीजिए कि एग्जाम था और उसमें पास परसेंटेज है एक्स परसेंट उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, ठीक है। एक कोई परीक्षा है, कोई एग्जाम है, उसमें कैंडिडेट को अगर क्लियर करना है तो उसे एक्स परसेंट मार्क्स लेके आने हैं। एक विद्यार्थी यानी कि एक कैंडिडेट ने, एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने ए अंक प्राप्त किए और बी अंकों से असफल घोषित किया गया, असफल घोषित किया गया, तो टोटल तो कुल अंक, कुल प्राप्त, कुल पूर्णांक अंक वो कह सकते हैं हम, या कुल अंक कितने थे जिसकी परीक्षा थी, कितने थे जिसकी, जितने अंकों की परीक्षा थी, कुल अंक कितने थे जितने अंकों की परीक्षा थी। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ क्या है कि कोई कैंडिडेट है, ठीक है, और उसने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम की जो पास परसेंटेज है वो एक्स है और उस कैंडिडेट ने ए अंक ले लिए हैं, ए नंबर ऑफ अंक जो मार्क्स हैं वो ले लिए हैं, ए मार्क्स ले लिए हैं और बी मार्क्स से वो फेल हो गया, इनकी बी मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो हमें टोटल मार्क्स बताने हैं कि वो जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, आपको और क्लियर हो जाएगा और एग्जांपल भी हम बहुत इंटरेस्टिंग लेने वाले हैं। एग्जांपल लेने वाले हैं हम टेट का ही। हमें पता है कि टेट में जो पास परसेंटेज है वो कितनी होती है, टेट का ही क्वेश्चन ले लिए हैं हम। फॉर एग्जाम्पल पास परसेंटेज सभी को पता है, पास परसेंटेज कितनी है 60%। मान लीजिए एक कैंडिडेट है और उसने एक कैंडिडेट गोट 80 मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 10 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स बताने हैं, टोटल मार्क्स। तो देखिए आपको ये समझ आया। अब ऐसा क्वेश्चन जो है किस ट्रिक के साथ करते हैं वो देखिए, मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, उसकी ट्रिक है। यहाँ पे मैं ट्रिक लिख रही हूँ, a प्लस बी डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। तो हमारे पास ट्रिक है a प्लस बी डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो अंक थे वो उसने प्राप्त किए थे, तो यहाँ पे कितने प्राप्त किए हैं उस कैंडिडेट ने, 80, और बी अंकों से वो फेल हो गया था। कितने अंकों से फेल हुआ है वो, 10 मार्क्स से, ठीक है, 10 मार्क्स से वो क्या हो गया, वो फेल हुआ है। एट्टी मार्क्स लिए हैं, 10 मार्क्स से वो फेल हुआ है। नीचे क्या है, x, x की वैल्यू, x क्या है, टोटल परसेंटेज पासिंग परसेंटेज है। पासिंग परसेंटेज कितने हैं टेट में, 60%,
जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ भाई मैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 80 प्लस 10 कितना हो गया 90 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, दो तीन छह और पहले हम ये काटेंगे 6 और 100 काट लेते हैं, दो तीन छह और दो को 100 पे काटते हैं तो 50, तीन तीन नौ, तो तीन गुना 50 कितना आ गया 150, और हमें पता है 150 अंकों की होती है टेट परीक्षा, तो हमें हमने निकाल लिया कि टोटल परसेंटेज कितनी है। इसी तरह के क्वेश्चन आप अगर आते हैं तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। याद रखिए क्या है वो, ए अगर अंक ले लिए हैं, बी अंकों से वो फेल हो रहा है, पास परसेंटेज हमें पता है, तो हम टोटल अगर हमें उस परीक्षा के अंक निकालने हैं, भी कितने नंबर की वो पेपर है, तो क्या निकालें, कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस ट्रिक को, तो चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक है हमारी, वो भी एग्जाम रिलेटेड ही है। हमारे पास हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होते हैं कि उसमें ऐसा क्वेश्चन दिए होते हैं कि मैथ्स में फॉर एग्जांपल एक किसी क्लास का एग्जाम है, मैथ्स में फेल परसेंटेज बता दी, स्टूडेंट्स की फेल परसेंटेज बता दी, इंग्लिश में फेल परसेंटेज बता दी, मैथ और इंग्लिश दोनों में बता दी, और पूछ पास परसेंटेज ली, तो बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन होते हैं ये। कैसे, तो देखिए हम करते हैं और उसकी मैट्रिक भी बताऊंगी आपको। एक परीक्षा में गणित में यानी कि मैथ्स, गणित में एक्स परसेंट कैंडिडेट यानी कि विद्यार्थी असफल हुए, विज्ञान में वाई परसेंट विद्यार्थी असफल हुए, दोनों में जो गणित में भी हुआ और विज्ञान में भी हुआ है, दोनों में जेड परसेंट असफल हुए, तो पास परसेंटेज या पास प्रतिशतता, हिंदी में लिखते हैं प्रतिशतता बताइए। करने बैठिए तो इसे बहुत बड़ा सम है, वो दो बारी मेरे को बॉडी रेस करना पड़ेगा, बट मैं आपको इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 100 माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ जेड, बस यही है फ्रेंड्स, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ जेड। एक्स और वाई क्या थे, दोनों सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर तीसरा भी होता तो हम वो भी कर लेते इसी में। X परसेंट एक में फेल हुए हैं, Y परसेंट दूसरे में फेल हुए हैं, और Z परसेंट दोनों में ही फेल हुए हैं, बट पूछा गया है हमसे पास परसेंटेज, तो करते हैं हम इसकी एक एग्जांपल भी, इसकी एग्जांपल करते हैं। एक आपके पास एक क्या थी, एक एग्जाम था, उसमें मैथ्स में जो फेल परसेंटेज है, मैथ्स इन मैथ्स फेल परसेंटेज 61, इन साइंस फेल परसेंटेज 39, इन बोथ फेल परसेंटेज 21, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालनी है, पास परसेंटेज, कर लीजिए कैलकुलेशन, आई होप कर ली होगी आपने। तो पास परसेंटेज के लिए हमारे पास ट्रिक है, 100 माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस ऑफ z, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है आपका 61%, y क्या है 39%, और z क्या है 21%, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम पास परसेंटेज ट्रिक, 100 माइनस ऑफ 61 प्लस 39 माइनस ऑफ 21, तो देखिए कितना होता है जी, ये 9 और 1 10 6 3 9 और 1 10 माइनस 21, तो कितना रहा ये,
इसको वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, होल ले सकते हैं हम, माइनस का 100 और प्लस का 21 हो जाएगा, 21 डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, या हम पहले ब्रैकेट भी अगर सोल्व करना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास परसेंटेज आ गई 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 2 गए 7, ठीक है, और यहाँ पे फिर 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 2 7 गए 2, ये 21% आपका आंसर है। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे ये, अगर ब्रैकेट्स मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, ब्रैकेट्स के बाहर अगर माइनस है तो वो खुलते हैं तब साइन चेंज हो जाते हैं, पता होगा आपको सभी को, ये कैंसिल और यहाँ पे 21% आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये भी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने इस तरह से करते हैं। आई होप आपने एंजॉय की होगी ये ट्रिक, और इस ट्रिक के आप नोट्स बना लें अपनी नोट्स, और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।